जिसका फेस तुमको यूज करने मिल गया वीडियो पे, फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो सॉरी वेट कराने के लिए, क्योंकि हम कॉलेज गए थे, थोड़ा काम से गए हुए थे, तो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ गया मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि हम क्या दिखाने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं, एक छोटे क्रिएटर और एक बड़े क्रिएटर में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा और ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो है हम जा रहे हैं यूट्यूबर से मिलने, जो कि धनबाद के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं ज्योति दी और भाई मनोडे, उनसे मिलेंगे। उनके बीच और हमारे बीच क्या क्या बातें हुई है वो मैं सारी बातें आपको शेयर करूँगा। बस आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए और कॉमेंट करके बताएँ कि ज्योति दी और भाई मनोडे के पास किसके पास एटीट्यूड है और कौन बेटर है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो अभी हम भाई मनोडे के घर पहुंच गए हैं, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है भाई मनोडे का घर, अभी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ मनोज भाई खड़े हैं। चैनल प्रमोशन करना है, चैनल प्रमोशन नहीं होता है। सभी लोग यूट्यूब पर तमाम वीडियो बनाते हैं कि मनोज भाई के अंदर घमंड है, एटीट्यूड है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो साधारण इंसान की तरह खड़े हैं आज हमारे सामने, और हमें भी नहीं बिलीव हो रहा था कि हम आएंगे और सर से मिल भी पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका फेस में तुमको यूज करने मिल गया वीडियो पे, फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस भाई के चैनल को, मिलकर काफी अच्छा लगा। अच्छे से चलिएगा, अच्छे से घर चलिए। तो मनोज भाई के साथ जो भी बातें हुई है वो मैं आपको शेयर कर दिए। तो अभी हम आपको ले चलते हैं ज्योति दी के घर पे, और आप जो है वीडियो को फुल वॉच करें। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ ज्योति भी है। सबसे पहले तो सॉरी वेट कराने के लिए, क्योंकि हम कॉलेज गए थे, थोड़ा काम से गए हुए थे, तो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ गया मेरे लिए। तभी जस्ट आए थे 10 मिनट पहले फ्रेश होके, तो अच्छा लगे इनसे मिलकर, बहुत दूर से आए थे। यही बोलेंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अच्छे से काम कीजिए। वीडियो में जो देखते हैं मतलब ज़्यादा स्माइल देते हैं आप, सच में ऐसे हैं कि घर में? नहीं, हम ऐसे ही हैं, अभी तो जस्ट सुबह से निकले थे, अभी आए, थोड़ा सा थके हुए हैं, धूप इतना ज़्यादा धूप है, बट हम तो हंसते ही रहते हैं। नहीं, क्या है कि घर में देखते हैं कि छोटी छोटी है उससे लड़ते रहते हैं, सिस्टर है उससे लड़ते रहते हैं, या वीडियो के पीछे मतलब कुछ और है, वीडियो में कुछ और? जो वीडियो में जो व्लॉगिंग में जो डेली व्लॉगिंग करता है वो क्या ही छुपाएगा। और कुछ एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मतलब आप इतना प्यारी दिखते हो, क्या कारण है? कुछ कारण कुछ नहीं है, अब आप लोग को हम प्यारी लगते हैं तो अच्छा बात है, और क्या बोलिए। बात तो सही है। तो मतलब देखे थे यूट्यूब पे जो मतलब कि मेरे शादी तय हो गई? नहीं, मेरे शादी तय हो गई ऐसे करके हमने लिखे थे, जो नहीं होगा उसमें हम लिखे होंगे। बाकी मेरी दीदी का शादी है, मेरा अभी शादी नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, बट हम बार बार बोल ही देते हैं कि दीदी का, जो यहाँ के हैं उनको तो पता ही होगा, मेरा होगा तो पता चल ही जाएगा सर। कब तक आप मतलब? देखिए शादी ब्याह का बात है, घर में लड़की का शादी होना, फिर दोबारा से शादी होने में देखिए तो टाइम लगता है, टाइम लगता है, आज खर्चा वर्चा भी है ना। फिलहाल तो नहीं हो रहा है, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप देख लिए हम दोनों के बीच, ज्योति दी और भाई मनोडे के बीच जो भी बातें हुई है वो मैं आपको सारी बातें शेयर कर दिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई मनोडे के पास घमंड है, हाँ एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो लोग जीरो से हीरो बनते हैं ना उनके पास थोड़ा एटीट्यूड आ ही जाते हैं, मतलब हर इंसान के पास नहीं होता है, मतलब जिस तरह से एक हाथ में पाँच उंगलियाँ होता है, पाँचों उंगलियाँ एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं इसलिए मनोज भाई से मिलने नहीं आए कि मेरा व्यू बढ़े, मैं इसलिए मनोज भाई से मिलने आए कि मुझे उनसे कुछ सीख मिले, प्रेरणा मिले कि भाई जीरो से हीरो बने हैं, एक दूसरे के भावनाओं को वो समझ सकते हैं। मानता हूँ उनके पास समय नहीं मिलता है, वो अपने लाइफ के लेके बिजी रहते हैं और ब्लॉग के लेके बिजी रहते हैं, हम भी अपने लाइफ को लेके बिजी रहते हैं, अपने ब्लॉग के लेके बिजी रहते हैं, लेकिन जब एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से मिलने आते हैं तो भाई उनके भावनाओं को समझना चाहिए कि भाई हम भी एक ऐसे यूट्यूबर थे, एक समय था कि हम भी छोटे क्रिएटर थे, हम भी किसी से मिलने जाया करते थे। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान से मिलने जाते हो तो बस अपना एक खुद का पहचान बनाओ, ताकि सामने वाले को बोरिंग फील ना हो कि भाई ये छोटे हैं और हम बड़े हैं, बस यही कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।